हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक इजी DIY 10 रिमूवल स्क्रब जो कि आप फेस एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये स्क्रब कैसे तैयार किया है। सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच चावल का आटा। मैं यहाँ पे फेस के लिए बना रही हूँ, आप पूरे बॉडी के लिए बना सकते हैं। फिर मैं इस पे मिलाऊंगी एलोवेरा जेल, बस एक टीस्पून ही आपको मिलाना है एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस पे मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, नींबू का रस लेना है आपको 2 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करें और स्क्रब लाइक कंसिस्टेंसी के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। इस स्क्रब की यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए एक पुराना टी शर्ट पहन लीजिए क्योंकि ये बहुत मेसी होने वाला है। इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को थोड़ा भिगो लीजिए, यानी कि वेट कर लीजिए, और इसे अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन पे अप्लाई कीजिए। आँखों के ज़्यादा पास मत जाइएगा क्योंकि वो जगह बहुत सेंसिटिव होता है। मैंने इस रेसिपी पे ऐड किया है राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, जिसमें पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड और फेरुलिक एसिड होता है जो स्किन में एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन की तरह काम करता है, जो सनबर्न को भी क्योर करता है। और मैंने इसमें ऐड किया है नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, जिसमें नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और लेमन जूस एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करता है। और मैंने इस पर मिलाया है एलोवेरा जो स्किन को हेल्दी रखता है और उसके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। इस स्क्रब को आपको 5 मिनट तक स्किन पे मसाज करना है और 10 मिनट तक अपने फेस पे यूं ही रहने देना है। फिर अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इस स्क्रब को आप वीक में 2 बार यूज़ कीजिए अपने फेस एंड बॉडी पे। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि सनस्क्रीन के बिना कभी घर से मत निकलिए और फेस मास्क और टैन रिमूवल स्क्रब वीक में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज़।